और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज रमज़ान शरीफ की तीसरी सहरी जो है कर ली है, क्योंकि जल्दी जल्दी टाइम आधा घंटा था तो जल्दी जल्दी, और यहाँ पर सुबह की अजान भी हो गई है। रखने के बाद जो है ना फातिमा और फौजिया कुरान पाक पढ़ रही है, नमाज भी पढ़ ली है, तो बस इसके बाद जो है ना फिर घर के थोड़े छोटे मोटे जो काम होंगे वो करेंगे, फिर ये स्कूल चली जाएंगी। पर बच्चे जो है ना अभी मुझे बता रही है फातिमा और फौजिया कि हमें ना छुट्टियाँ मिली हैं, पीर को या मंगल को जाएंगे, तो चलो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि इनके पेपर में तो रिजल्ट जो है ना पता नहीं रिजल्ट कब आएंगे। फातिमा कह रहे हैं कि अगले मंथ की 2 या 3 को होंगे। 2-3 को आएंगे, चलो माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली, दुआ करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक करे आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिलीज के साथ हंसते और मुस्कुराते हुए रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे, जो बेऔलाद हैं अल्लाह पाक उन्हें साहिब औलाद करे, जो कर्ज़दार हैं अल्लाह पाक उन्हें कर्ज़ से निजात दे, जिसकी जो भी परेशानी अल्लाह पाक इस माह रमज़ान शरीफ के सदक़े सब दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन या रब। ये महीना जो ना कबूलियत का है, तौबा का है, इस्तग़फ़ार का है, तो जितना हो सके तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, अपनी इबादत जारी रखें। अल्हम्दुलिल्लाह आज माह रमज़ान का तीसरा रोज़ा है, तो हमने रोज़ा भी रख लिया है, तो बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे हैं, मेरी नमाज थी मैंने नमाज पढ़ ली अभी, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो भी डेली की रूटीन होगी वो आप सबके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पर माहम ने आज ऐसे ही रोज़ा रख लिया। माहम माहम नमाज पढ़ ली और माहम ने ऐसे ही रोज़ा रखा, इसको उठाया नहीं, टाइम थोड़ा था बिल्कुल, तो अभी ये कह रही कि मैंने रोज़ा जो है ना रख लिया है, तो कह रहे इसे कि नहीं नियत नहीं करो, तो अभी कह रही कि मेरे पेट में दर्द है। चलो उठो थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ लो, उठ जाओ, शाबाश उठो, आराम आया पेट दर्द में आया, चलो फिर उठ जाओ नमाज पढ़ लो, शाबाश उठो। और आज मौसम जो है ना मुझे लगता है फिर से बादल हैं, अल्लाह रहम करे बारिश ना आए, तो बस जैसे ही सुबह होगी तो देखेंगे क्या होता है। अभी मैं जा रही हूँ खानपुर शहर, वहाँ पर काम है कुछ। यहाँ पर माशाल्लाह रोड का काम जो है ना जोरों शोरों से चल रहा है, तो बस दुआ करने की जितनी जल्दी इसका काम खत्म हो, क्योंकि रास्ता जो है बहुत ख़राब है और सबको मसले हो रहे हैं यहाँ पे रास्ते पे, तो इस तरह का रास्ता है खतरनाक, गुजारा तो सभी कर रहे हैं आने जाने का, फिर क्या करें। बिल्कुल नहीं हुआ, रश भी था, तो सब चलते हैं घर। ये रहे तबली बनाने और मशीन कैसे सब लोग जो है ना यहाँ से पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि रास्ता जो है इस तरह खराब है, बाइक मुश्किल साइड पे ये हाल है, और बारिश का पानी भी गए घर, और घर आते ही मुझे ये ऐसे पकड़ लिया उनके चीज लेके, सुबह सुबह गए थे, सुबह सुबह काम बिल्कुल नहीं हुआ तो वापस ही आ गए। मार दिएगा हाथे पौधे हाथ तेरे पीछे, बना दी तू सजाने हंदे तेरे खल के पीछे, मुंह ते की करके नी कंदो पीछे कुत्ते भौंक दे, मैं बहुत करी ना भौंक सन अगानी क्या नाम है।
फातिमा मियां बहनाओ ये नहीं। खानपुर से आने के बाद अभी हम जा रहे हैं गांव, तो यहाँ से ऊपर चलेंगे क्योंकि आगे रास्ता जो है मिट्टी डली हुई है, तो ये ऊपर आ गए। और नीचे जो है ना जैसे हम लोग पहले रेड़ी लेके आते हैं तो सारा रास्ता जो है ना रेत थी नीचे सारी, तो अभी मिट्टी के टीले लगे हुए हैं यहाँ पर, तो ये मिट्टी डाल रहे हैं उससे जो है ना रेत बैठ जाएगी। जैसे यहाँ पर ये रास्ता बना हुआ है ना बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छा हुआ। तो माशाल्लाह अभी पहुँच गए हम अपने प्यारे से गाँव, तो देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरती है यहाँ पर, एकदम सुकून और प्यारी सी और खूबसूरत सी मस्जिद। जी तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हम सब करता हूँ, आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं अपने पड़ोसों से पहले लेके आया हूँ और यहाँ मैंने मूंग की दाल की जो है ना बिजाई की है, तो उसके ऊपर हल चलाया है खुद और इसके ऊपर जो है ना ये स्वाला दे रहे हैं ताकि उसमें दम आएगा, तो ये 8-10 दिन के अंदर जो है ना मूंग की दाल यहाँ से उसकी फसल उगेगी। तो आइए चलते हैं। अपने काम अपनी मेहनत करने से मजा ही कुछ और आता है। तो यहाँ पर गर्मी भी काफ़ी है और यहाँ पर आते ही इनका काम स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये रही हमारी मक्की की फसल, और देखिए अब माशाल्लाह कैसे इसको खाद पानी लगा, ऊपर से बारिश भी होगी तो कैसे बड़ी हो रही है, जल्दी जल्दी इंशाल्लाह बड़ी होगी। ये साइड पर ये रही मेरे कज़न की गंदम, ये एकदम से ये देखें ऐसे लेट गई है, इसका काफ़ी नुकसान होता है किसान को ना, बिल्कुल ये जैसे सो गई है ऐसे सो गई है सारी की सारी जो है ना गंदम, इस तरह हमारी भी वहाँ की हो गई है। चलते हैं अपनी खेती में अपनी सब्जी में, वहाँ से पालक काटते हैं हरा धनिया, आज शाम को इफ्तारी में बनाएंगे आलू और पालक। दुआ दुआ क्या करने आओ वस्ती, दुआ क्या करने आई हो? मैं भी जाऊँगी। तो माशाल्लाह ये रही हमारी प्यारी प्यारी सी सब्जी, भिंडी देखते हैं कि लगी है कि नहीं, देख लगी उस साइड पर चलते हैं। तो ये मेरे ख्याल से लौकी है, वहाँ पे हरी तुरी है और साथ में ग्वार है, और ये रही पालक। जी तो आइए ताज़ी पालक काटते हैं, और अगले दिन भी इसका सालन बनाया था तो बड़ा बहुत ही वीए भी बना था और पकोड़े भी बनाए थे, तो आज बच्चों ने जिद की कि पापा जो है ना फिर ताज़ी जो है ना सब्जी जो है ना फसल से अपनी काट के लें और उसका सालन बनाएंगे, सलाद वगैरह बनाएंगे और पकौड़े वगैरह बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाह ये ताज़ी जो है ना इसका मज़ा ही कुछ और आता है, और ये मेरे अपनी मेहनत थी, आप सबके सामने आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे मैंने इसके बीज लगाए और माशाल्लाह ये कैसे ये देखें तैयार हो गई सब्जी। इसके खेत हैं भाई, अपनी ताज़ी सब्जियां लगाएं और ये शहर वाली सब्जियों से छुटकारा पाएं और फ्रेश फ्रेश सब्जी आप खाएं, अपने बच्चों को भी ताज़ी चीज़ें ताज़ी सब्जियाँ खिलाएं। ताज़ी सब्जी का मज़ा इतना होता है कि आपको जो है ना ये चिकन मटन गोश्त वगैरह सब भूल जाएंगे, इसमें इतना लज्जत होती है। इसे अच्छी तरीके से वॉश करके फिर काटेंगे, काट के बारीक फिर इसका जो है ना पकौड़े भी बनेंगे और सालन भी पकेगा, और धनिया उधर से ताज़ा फ्रेश है वो भी तोड़ेंगे, उसको ये चटनी भी बनेगी, पकौड़ों में भी उसका इस्तेमाल होता है, सालन में भी इस्तेमाल होता है। तो बस ये मज़े हैं, आप सबकी दुआ चाहिए। और ये देखें माशाल्लाह कैसी ताज़ी और खूबसूरत हरी हरी सी प्यारी लग रही है। जी तो ये पालक मैंने ये देखिए आप सबके सामने काट ली है, तो
क्योंकि ये ताज़ी है, फ्रेश है, तो ये 10 से 15 मिनट में जो है ना ये तैयार हो जाती है। और जैसे उसे पहले सबसे पहले वाश करके काट के बॉयल करना पड़ता है ना, तो बॉयल करते 10-15 मिनट के अंदर ये बिल्कुल बॉयल हो जाती है। 5 मिनट में ही जैसे उबाल आता है ये फौरन से गल जाती है। ताज़ी है ना, ताज़ी चीज़ का मज़ा ही कुछ। आ जाओ तो चलते और आगे चलते हैं वहाँ से हरा धनिया काटने। आगे माशाल्लाह सब तुरी की बेलें भी तैयार हो रही हैं, गुआर भी तैयार हो रही है, और यहाँ पर ये करेले की बेलें भी आप देख सकते हैं वो भी तैयार हो रही है, लौकी भी तैयार हो रहा है, भिंडी भी आ गई है, तकरीबन 2-3 दिन तक भिंडी तोड़ेंगे इंशाल्लाह। तो मैंने अब ये मिशन बना लिया है कि पूरा साल जो है ना सब्जी अपनी फसल के अपने खेतों में अपनी ताज़ी होनी चाहिए, हर सब्जी यहाँ उगाऊंगे सामने और रोज़ाना की यहाँ से लेके तोड़ के जाएंगे घर। और जो देखें माशाल्लाह ये प्याज भी हमारा रेडी होता है, ये आप देख सकते हैं ये सब प्याज है ये देखें। और ये लौकी की जो है ना बेले हैं, लौकी इसके ऊपर जो है ना अभी लग रहे हैं, छोटे छोटे से हैं तकरीबन, आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये लगे हुए हैं ये देखें, ये लौकी जो है ना ये लग रहा है, ये देखें ये देखें, ये तकरीबन एक हफ्ते तक ये जो है ना लगना शुरू हो जाएंगे। और ये सामने हरा धनिया हो गया, इसको भी काट दें। और एक चीज़ कुदरत का मैं आपको नज़ारा दिखाऊं, ये कल मैंने देखा है, ये बीज मैंने नहीं बोया, ये कुदरत पता नहीं कहां से कैसे आ गया पानी में खेतों में, ये टमाटर के पौधे दो आ गए, तो मैंने इसे गोडी करके कल छोड़ दिया, अब इसे खाद वगैरह डालेंगे और यहीं पर तैयार हो जाएंगे। ये धनिया देख लें माशाल्लाह कैसे जो है ना फ्रेश फ्रेश और ताज़े, इसे काटेंगे ऐसे, ये देखें कैसा प्यारा लग रहा है। और इसकी ताज़ी जो है ना सब्जी की खुशबू और लज्जत, जिस किसी ने भी अपने घर में या खेतों में फसलें ये सबको पता होगी कि इसकी लज्जत और ताज़ी खुशबू कैसी होती है। काफ़ी है, चलो ये एक और काट ले। नहीं बस काफ़ी है, फिर कल ताज़ा ले आइएगा, ये लेने देख लेना, काफ़ी है, आपसे नहीं खत्म होंगे इंशाल्लाह। नहीं यहाँ पर भी खत्म तो नहीं होगी, इंशाल्लाह। और भिंडी कहाँ पे बड़ी हो रही है? भिंडी आपको दिखाता हूँ, आ जाए ये माशाल्लाह, ये देखें भिंडी, ये भिंडी के पौधे हैं, ये लेने हैं भिंडी की। और ये देखें माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं क्लोज करीब से, ये भिंडी लग रही है, ये हाईब्रिड क्वालिटी के बीज हैं, ये एक फुट का पौधा नहीं होगा ऐसे तो ये लगना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये तकरीबन 3-4 दिन में इंशाल्लाह जो है ना यहाँ से भिंडी तोड़ेंगे और आप सबको यहाँ से तोड़ के घर सलाद बना के ताज़ा फ्रेश दिखाएंगे कि कितना लजीज और ताज़ी सब्जी कैसे तैयार होती है। और भिंडी में जो है ना हरा धनिया भी अगर आपके पास फ्रेश है तो बहुत मज़े का लगता है, और भिंडी में हरा धनिया ज़्यादा डालें तो और मज़े का लगता है सालन। ये देखें यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये सब बेलों को लगे हुए हैं ना, भिंडी लग रही है, हर पौधे के ऊपर ये देखें, ये देखें ये हाईब्रिड क्वालिटी के जो बीज हैं वो तकरीबन 1 माह के अंदर अंदर फसल उसके ऊपर लगना शुरू हो जाते हैं, जो देसी बीज होते हैं वो 2-2.5 महीने ले जाते हैं टाइम, जो आला क्वालिटी के हाईब्रिड के बीज होते हैं ना वो 1 महीने के अंदर जो भी फसल है सब्जियां आते हैं वो फल लगना शुरू हो जाता है उसके ऊपर। कितना आई थी तूफान बारिश, ये पानी भी तो मांग रही है, पानी तो बस अभी आ गए हम लोग घर, तो थक हार के इस रूम में आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ना ठंडक लगती है, कुछ ज्यादा पंखा भी चला लेते हैं। तो बस यहाँ पर पालक जो है ना कल काट के लाए थे, जो हमने कल नहीं बनाई और बनाएंगे आज, वीडियो भी मैं आज ही अपलोड कर रही हूँ, एंड भी आज ही कर रही हूँ, तो यहाँ पर काफ़ी थक जाती हूँ, गांव का थोड़ा बहुत काम जो होता है वो भी और घर का काम भी और मवेशी भी है माशाल्लाह, तो बस सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा बहुत अच्छे से जा रहा है, आज सुबह कल जो पालक लेके आए हैं वो पालक रात को हमने नहीं बनाई तो आज बना रहे हैं, और इंशाल्लाह कल जो है उसकी रेसिपी भी शेयर करेंगे। काफ़ी लोगों ने कहा कि आप पालक की रेसिपी शेयर करें, आलू पालक की, ये जो है ना सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो इसको आप ज़रूर बनाएँ और खाएँ, चाहे सर्दियों चाहे गर्मियों, अगर इसको उबाल कर खाएं तो इसकी तासीर ठंडी होती है।
तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है आलू पालक। तो सुबह जाना मसला यही हुआ कि भाई सालन भी नहीं और दही भी नहीं बना, तो हमने क्या किया, अंडे जो है अंडे बना लिए और पराठे बना लिए सोख सोख मज़े वाले। फातिमा ने बनाए क्रिस्पी जो हमने चाय के साथ, जो ना हमारी सहरी जो है माशाल्लाह बहुत अच्छे से हो गई। और आज माशाल्लाह हमें चौथा रोज़ा है, तो इंशाल्लाह रोज़े इंशाल्लाह सारे ही रखने हैं और अल्लाह पाक हिम्मत देगा इंशाल्लाह। और हमारा जो है ईमान है इंशाल्लाह वो हमेशा कायम रहेगा। और ये जैसे नमाज हो गई, रोज़ा इबादत हो रही है, और इतना जिसे में जो है ना ताकत जो नहीं होती पूरा दिन व्लॉग बनाने की, तो बस थोड़ा बहुत जो हो रहा है इंशाल्लाह आपको दिखा रहे हैं। कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाने की और आप सबको दिखाने की। तो यहाँ पर एक ही मसला बार बार आ रहा है, एक तो जो है ना रोज़े के साथ इतना बोला भी नहीं जाता, तो यही मसला आ रहा है कि आपने आपको जो है ना सितारा ने मजबूर किया है कि आप वीडियो डिलीट करवाओ। तो मुझे सितारा ने कभी नहीं कहा कुछ, कोई भी ऐसी चीज़, चाहे अभी मेरे भाई ने ये वीडियो बनाई है तो उसने मुझे मैसेज नहीं किया, अम्मी ने मैसेज नहीं किया कि आपका भाई ये कर रहा है वो कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे कहने नहीं मानते मेरे भाई, तो उनको सब मालूम है क्योंकि अम्मी वहाँ साथ रह कर रहे हैं, उन्हें मम्मी को जो है ना ज़्यादा पता है। तो जब से ये चीज़ स्टार्ट हुई है तब से अम्मी को पता है कि मैंने अपने भाइयों से रابطہ ख़त्म कर दिया था। तो यही बात है कि अभी भी अम्मी को पता है कि मेरे भाई कितना कहना मानते हैं। हाँ, मैंने सलमान को फोर्स किया है और मैं उसके घर भी गई हूँ कि आप वीडियो जो है ना डिलीट करो, तो उसने मुझे यही कहा है, मैंने कल भी यही कहा था और आज भी यही कह रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी कमेंट आ रहे हैं कि आपका भाई आपकी बात मानता है। अब्बू ने भी कहा था, मुझे भी कहा है, शब को भी कहा है, आप अपने भाई से कहें कि वो वीडियो डिलीट कर दे। तो मुझे सलमान ने यही वादा किया, उसने कहा कि मैं आज के बाद वीडियो नहीं बनाऊँगा और ये जो है मैं डिलीट नहीं करूँगा। तो यही बात है, और सितारा ने नहीं कहा, मुझे किसी ने नहीं कहा, अम्मी ने नहीं कहा या मैं किसी और का ना साजिद भाई का लूँ, ना मुझे ना ही किसी ने कहा, ना ही मैंने किसी का नाम ले रही हूँ, मैं रोज़े के साथ बैठी हूँ। मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप सलमान से कहें कि वो वीडियो डिलीट करें। हाँ, सलमान की यही थी कि आज के बाद मेरे अब्बू का नाम ना लिया जाए, हम भाइयों बहनों का नाम जो है ना लिया जाए, हम हमारे अब्बू हैं, अगर इस बार आते हैं तो मैं उन्हें खुद बिठा कर खिला सकता हूँ, किसी के घर नहीं जाने दूँगा। तो मैंने यही कहा उससे, मैंने कहा चलो आज के बाद आपका नाम कोई नहीं लेगा तो आप वीडियो जो है ना नहीं बनाना। तो उसने यही मेरे साथ वादा किया है कि आज के बाद मैं उनका नाम नहीं लूँगा, अगर किसी ने मेरा नाम लिया तो मैं लूँगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे घर में भी काफ़ी मसला खड़ा हुआ, मेरे दरमियान, बच्चों के दरमियान, मेरे हस्बैंड के दरमियान, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है ना अब बेहतर है। आपको पता है कि एक औरत के लिए घर और बच्चे ही सब कुछ होते हैं, उसके बाद ही शादी से पहले उसके बहन भाई और माँ बाप होते हैं, वो लाइफ होती है, और शादी के बाद जो है ना आपके हस्बैंड और आपका घर, आपके बच्चे, तो ये सब जो है ना आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। तो मैं जो है ना अभी अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अहमियत देती हूँ और उनकी जगह जो है ना बहुत ज़्यादा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड थोड़ा सा गुस्सा थोड़ा सा तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा हुए घर में, काफ़ी जो है ना बहस भी चली और तकरार भी हुई और झगड़ा भी हुआ, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अब सब ठीक है आप सबकी दुआओं से। तो बस आपका साथ चाहिए और बस आज मैं बच्चों को बुलाती हूँ, कितने दिन हो गए कि परेशानी है घर, अगर घर में कोई मसला चल रहा हो तो सबसे ज़्यादा बच्चे ही परेशान होते हैं, बच्चे भी सहमे थे, क्योंकि घर में ये चीज़ आप देखते हैं, बच्चे आपके देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उन पर असर पड़ता है, बच्चों के दिल में भी हो जाता है कि पता नहीं अब क्या होगा क्या होगा। तो इस तरह से हमारे घर में कुछ दिन माहौल बना है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो अब मैं बच्चों को बुलाती हूँ और वीडियो जो है मैं बच्चों से करवाती हूँ, बाकी मुझे सितारा ने कभी नहीं दबाव दिया, प्लीज़ इस तरह के आप कमेंट ना कीजिएगा। तो अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और रमज़ान शरीफ है, दिल से दुआएं मांगे हमारे लिए भी, अपने अहल-ओ-याल के लिए भी, और जो चीज़ हमारे लिए बेहतरी है अब वही मांगे। अल्लाह पाक ने जिस चीज़ को हमारे लिए बेहतर बनाया है, हमारे हालात हैं जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े और उसी पे ही खुश रहना सीखे। तो बस नेक दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कानपुर जा रही हो, क्या करने जा रही हो, बस्ती जा रही हो? और सुना, आप सुना, आपके पेपर हो गए? जी। चलो, और ईमान आप?
आपके पेपर हुए, हो गए आपके पेपर? और महम आप और रोजे कैसे चल रहे हैं, यूट्यूब फैमिली को बताओ ना आप। बहुत अच्छे अच्छे जा रहे हैं। और भी इसने कल भी खाली पेट रोज़ा रखा और आज माशाल्लाह हम सब ने रोज़ा रखा, लेकिन वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि टाइम जो काफ़ी कम रह जाता है जब हमें जाग होती है, क्योंकि रात को कभी जो ना एक दो दिन हो गए हम लोग लेट ही सो रहे हैं, तरावियाँ पढ़ते और नमाज़ पढ़ते काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर सुबह उठते हैं उठने में देर हो जाती है। तो आज का व्लॉग एंड कर रहे हैं, तब तक के लिए लाफी समझ लाफी तो मैं जरूर बताना आज की वीडियो।